आज मैं आपके साथ चीज़ी वेज सैंडविच की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत टेस्टी है और बच्चे ऐसी रेसिपीज़ बहुत पसंद करते हैं। इसीलिए आप भी घर में ही अवेलेबल इंग्रेडिएंट से इजीली इसको तैयार करके बच्चों को दे सकते हैं और बाहर का खाना अवॉइड कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल खाना ऑन डिमांड में। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए सो दैट मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। देखते हैं रेसिपी को। वेजिटेबल्स में मैंने ये कैप्सिकम लिया है, ये टमाटो लिया है, इसको इस तरीके से चॉप कर लिया है, ये अनियन है इसको भी चॉप कर लिया है, ये चीज़ के क्यूब्स लिए हैं इनको ग्रेट कर लेंगे, मैंने अमूल चीज़ लिया है, आप इसकी जगह पे कोई सा भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तरीके से ग्रेट कर लेंगे इसको, मैंने इसे ग्रेट कर लिया है। ये ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं दो, इसको नीचे वाली साइड पे इस तरीके से बटर स्प्रेड कर लेंगे इसके ऊपर, आप चाहे इसकी जगह पे ब्राउन ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको इस तरीके से पलट के नीचे की साइड में कर देंगे। और ऊपर की साइड में ये मेयोनीज लिया है, इसको भी अच्छे से स्प्रेड कर देंगे इस तरीके से, इवनली स्प्रेड करना है पूरी ब्रेड पे। इस तरीके से इसके ऊपर ये अनियन है, इसको भी अच्छे से फैला देंगे। पूरी ब्रेड पे तरीके से स्प्रेड करेंगे इसको, इसके ऊपर ये चीज़ को एकदम से नीचे नहीं रखेंगे, नहीं तो ब्रेड टूट सकती है, इसलिए पहले अनियन डालेंगे उसके बाद में चीज़ को स्प्रेड करेंगे। इसको भी इस तरीके से स्प्रेड कर दिया है, ये टमाटो है इसके ऊपर ये, इनको भी स्प्रेड कर देंगे। कैप्सिकम इसको भी पूरी ब्रेड पे अच्छी तरीके से फैला लेंगे। अच्छे से पूरी ब्रेड पे ये थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट है, थोड़ा सा ये चिली फ्लेक्स, और ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे बटर लगाया है तवे पे, और जो बनाया था सैंडविच वो रख दिया है, और जो दूसरी स्लाइस थी उसके ऊपर ये टमाटो केचप लगाया है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये चाट मसाला भी ऐड कर रही हूँ, इसके बाद में जो जिस साइड में दूसरी ब्रेड में टमाटो केचप लगाया था उसको नीचे साइड में कर देंगे और इस तरीके से प्रेस कर देंगे। गैस का फ्लेम लो रखेंगे और ऊपर की साइड में भी ये बटर इस तरीके से लगा देंगे, इससे बहुत अच्छे से जो ब्रेड है बहुत अच्छे से सिकेगी, बहुत अच्छा कलर भी आएगा। तरीके से पूरी ब्रेड पे स्प्रेड कर देंगे बटर को। इस तरीके से प्रेस करेंगे और ये इसके हेल्प से इस तरीके से इसको पलट देंगे, देखिए कितना अच्छा कलर आया, अच्छे से सिक गई है। इसको भी इस तरीके से प्रेस करते हुए सेक लेंगे दूसरी साइड से भी। लीजिए, बन के तैयार है सैंडविच, बहुत ही डिलीशियस सैंडविच बनी है, और विद इन 5 मिनट में आप इसको तैयार कर सकते हैं, अपने बच्चों को दे सकते हैं, कोई घर में आ जाता है तो उसके लिए भी बना के दे सकते हैं। बहुत ही
जल्दी बन जाती है। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।